सोलन नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में पार्षद पवन गुप्ता ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस नगर निगम प्रभारी पर कई तंज कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र राणा को सोलन शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वे आधारहीन तथ्यों पर टिप्पणी कर सोलन की शांति को भंग करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा राजेंद्र राणा को उनके मंसूबों में कामयाब होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि पहले राजेंद्र राणा अपने विधानसभा क्षेत्रों को संभाले और फिर भाजपा पर कोई टिप्पणी करें। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों में वे कांग्रेस को तो जीत नहीं दिला पाए और सोलन नगर निगम को जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। पवन गुप्ता ने कहा कि राजेंद्र राणा ने सुजानपुर से आकर सोलन जैसे शांत क्षेत्र में जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वे उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे अपनी जुबान पर विराम लगाएं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस प्रभारी भाजपा से श्वेत पत्र मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता कांग्रेस नेताओं को चुनौती देती है कि वे मंच पर आकर विकास कार्यों को लेकर खुली बहस को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने न केवल सोलन को नगर निगम का तोहफा दिया, बल्कि वे करोड़ों रुपए की अन्य सौगातें भी शहरवासियों को देकर गए हैं। जल स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी वे सोलन वासियों को राहत प्रदान कर चुके हैं, इसलिए उन्हें कोई श्वेत पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आज भाजपा सरकार जो पिछले 3.5 साल, जिसमें से 2.5 साल ही मानेंगे क्योंकि 1 साल तो कोविड की वजह से खराब हो गया, और जो विकास कार्य भाजपा सरकार ने किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो लाई हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं, उनको लेकर जो निठल्ली और निकम्मी सरकार बोलने का जो प्रयास सुजानपुर से आकर सोलन में माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको मैं हम नसीहत देना चाहते हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि इस तरीके का प्रयास वो ना करें। 463 करोड़ रुपए अगर शांडिल जी ने 5 साल में खर्च किया है, तो उसको आकर किसी भी खुले मंच पर हमसे बहस कर लें, हमें भी पता लगे कि 463 करोड़ रुपये उन्होंने कहाँ खर्च किया। माननीय मुख्यमंत्री जी आज सोलन के लिए नगर निगम का तोहफा के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे तोहफे और भी दिए हैं, जिन सबको लेकर आज हमने यहाँ पर उनका आभार प्रकट करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई थी, जिसमें उनके द्वारा 2 करोड़ रुपये 3 पार्किंग के लिए, 2 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, 2 करोड़ रुपया सोलन के 17 के 17 वार्डों के सर्वांगीण विकास के लिए दिया गया है, और अन्य हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, और सोलन को यातायात की समस्या को देखते हुए जौना जी रोड से एक रोड, नया रोड पाइप जिसको अल्टरनेटिव रोड बोलते हैं, कि वो यहाँ से बरौरी सीधा निकले, इस तरीके का एक सर्वे उसका करवा कर अगर होगा बनाया जा सकता होगा तो उसको बनाया जाएगा। और इसी तरीके से अन्य जो पहले सिंचाई की योजनाएं पूरे विधानसभा क्षेत्र में और सोलन के लिए 15 करोड़ रुपए की जो पेयजल योजना जो पहले गिरी योजना है, उसका नया रूप जो है उसको देने के लिए, ताकि सोलन में पानी की समस्या, आसपास के क्षेत्रों में जो पानी की समस्या है उसको दूर किया जा सके, उसके लिए उन्होंने जो कल शिलान्यास और उद्घाटन किए, उसके लिए हमने आभार प्रकट करने के लिए आज यहाँ पर हम सभी नगर परिषद के सभी पार्षद और सभी जनता की तरफ से ऐसा किया था।